कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। लोकसभा चुनाव के चलते कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भी मतदाताओं के साथ साथ यानी कि आम नागरिकों के साथ साथ राजनेताओं ने भी मतदान किया। आइए दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। देखिए, देश के हित के लिए, देश के फायदे के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमने आज पहला मतदान किया। कल रात से ही मेरे दिल में था कि पहला मैं मतदान करूं, इस देश की सुरक्षा, देश को बचाने वाला जो आदमी आज हमारे पूरे देश में, पूरे विदेश में भी जो नंबर वन है, उसके लिए हम मतदान किए। सगन तमाम नागरिक यह निवडणुकी सगळ्यांनी घराच्या बाहेर निघून कुठली सुट्टी न एन्जॉय करता आपला प्रथम अधिकार आहे। आपलं देशाचं नेतृत्व कशा प्रकारे असलं पाहिजे या उद्देशाने प्रत्येकाने मतदान केलं पाहिजे। खास करून तरुण वर्गाला माझी एक विनंती आहे, तरुण वर्गांनी रस्त्यावर निघून आलं पाहिजे। जे संविधानाने दिलेला आपला जो अधिकार आहे, त्या अधिकाराचं लोकशाही बळकट करण्यासाठी सगळ्या तरुणांनी रस्त्यावर उतरून लोकशाहीचा हा उत्सव साजरा केला पाहिजे। क्या सोच के क्या विचार से वोट किया? वही मतदान हमको लोकशाही में दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। ये अधिकार हमने अपना पालन करना चाहिए लोकशाही में। ये मेरा काम था, आज मैंने वो किया है। मेरा ये बोलना है कि राष्ट्र के विकास के हेतु मैंने अपना वोट किया है, तो राष्ट्र का विकास होगा, यही एक उद्देश्य है। कि प्रत्येकाचा मतदान हा एक हक्क आहे, अधिकार आहे। जर तुम्हाला तुमच्या ज्या काही समस्या असतील त्या इथे किंवा पार्लमेंटमध्ये मांडायच्या असतील आणि आपण एखाद्याला भांडू शकतो, आपण जर वोट केलं, मतदान केलं, तरच आपण काही मागू शकतो की आम्हाला सुविधा द्या आणि द्या। मतदान केलं नाही तर त्या व्यक्तीला काहीही अधिकार नाही आहे भांडण्याचा। तर देशासाठी भांडा आणि बाहेर पडा, मतदान करा। आपले देश के लिए कर्तव्य आहे। अपना जो लीडर चुन के आएगा वो अच्छे से आए, वो जो काम अच्छा करता है, ऐसे इसके लिए मैंने वोट किया है। और मैं बाकी लोगों को भी ये किया है, बोला है कि जैसे हम हक के लिए बांटते हैं, झगड़ते हैं, हक के लिए जैसे झगड़ते हैं वैसे ही कर्तव्य के लिए भी अपना कर्तव्य पूरा करो। हर एक को अपना वोट देना है, अपना वोट जो है वो बहुत कीमती है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।